नमकीन बनाने की, चिप्स बनाने की, कुरकुरे बनाने की, पैकिंग करने की, गोलगप्पे बनाने की, तो हर तरीके की मशीनें अवेलेबल हैं। देख रहे हो ना आप, जहां भी बैठे हो, चेयर पे हो, कुर्सी पे हो, जिस भी लोकेशन से हो, जिस भी सिटी से हो, ध्यान से देखिए। अगर चाहते हो खुद का बिजनेस चालू करना, ऐसे पैकिंग्स करना, अपने चिप्स कुरकुरे नमकीन बनाना, तो मात्र आज ही के आज ही बुक कीजिए, मात्र 15,000 से अपना बिजनेस चालू करें। तो नमस्कार जी, क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हर बार आप लोगों के लिए नए नए बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत खास होने वाली है आप लोगों के लिए। किसी गांव किसी शहर से आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो पहले तो पूरी देखनी है। मैं बताऊँ किस तरीके की मशीन दिखाऊंगा, जैसे स्नैक्स बनाने की, आप नमकीन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मशीन मिलेगी आपको, यहाँ पे कुरकुरे बनाने की मशीन मिलेगी, चिप्स बनाने की मशीन मिलेगी, एंड साथ साथ पैकिंग करने की भी मशीन मिलेगी। मतलब दोस्तों मशीन भी आपको मिलेगी, आपको किस तरीके से पैकिंग करनी है प्रॉपर गाइड करा जाएगा। और यहाँ पे जैसे गोलगप्पे मेकिंग है, कॉफी मेकिंग है, आपको पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन मिल जाएगी, कॉटन कैंडी मेकिंग मशीन, मतलब बहुत सारी हजारों तरीके की मशीन मिल जाती है। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और एक बार मैं इंट्रोड्यूस करूंगा प्रिया मैम से, जो कि है फ्रॉम फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारे साथ हैं प्रिया मैम फ्रॉम फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग से। नमस्कार मैम, कैसे हो आप? बहुत अच्छे सर। तो प्रिया मैम, आज की वीडियो में किस तरीके की मशीन्स आप ले गए हो हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर कोई भी अपना स्मॉल इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो? सर आज हम ऐसी मशीनें लेके आए हैं कि लोग सोचते हैं कि छोटी सी इनकम में कैसे बड़ा बिजनेस किया जाए और अच्छी अर्निंग की जाए, क्योंकि हर कोई बिजनेस करता है तो पैसे कमाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा वो भी पर डे के हिसाब से कैसे कमाया जाए। तो आज हम लेके आए हैं ऐसे ऐसे बिजनेस आइडिया, फूड से लेके जिसे कहते हैं स्नैक्स आइटम, जो सबको पसंद है, सुबह से लेके शाम तक की पसंद हो, कोई भी हो उसे खाना बंद नहीं कर सकता, जो आपका हर दिन चलने वाला बिजनेस होता बिल्कुल है। बिल्कुल जी। तो अगर आप बनाना चाहते हैं स्नैक्स, मतलब बना के मार्केट में सेल करना है, बिल्कुल मशीनें सारी अवेलेबल मिल जाएंगी। मैम किस तरीके के स्नैक्स तैयार कर सकते हैं आपके, कौन कौन सी मशीन मिलने वाली है? जी आज हम जिस मशीनों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि नाम से चल रहा है स्नैक्स, इंटरेस्टिंग होने वाला, स्नैक्स में होता क्या क्या है। तो आज हम बात करेंगे कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, भुजिया हो गया, शुगर कैंडी हो गया, कॉफी हो गया, पॉपकॉर्न हो गया। दोस्तों बोलते हुए नहीं थक रही हूँ, तो सोचिए वो मशीनें कैसी होने वाली है। ये सब चीजें सुन के तो मुंह में पानी आ गया होगा लोगों के और मैम के भी है। बिल्कुल। तो आज उन्हीं मशीनों के बारे में बात करने वाले हैं कि छोटी सी मशीनों से कैसे पर डे का 1500 से 2000 का अर्निंग आप कर सकते हो, वो भी मात्र कम से कम इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए ऐसी मशीनों के बारे में आपको बता दूंगा। बिल्कुल, वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, एंड किस किस सिटीज आप वीडियो को वॉच करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जी मैम, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किस मशीन के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करने वाली हूँ सबकी पसंद होती है चिप्स कुरकुरे और आलू भुजिया नमकीन। जी तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास, मैं पूरे मशीनों के वर्ल्ड में खड़ी हूँ आज, और कौन कौन सी मशीनें हैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करना चाहूंगी चिप्स की, तो जो खाने में तो बहुत ही अम्मी लगते हैं और फ्लेवर्ड भी उसके अनगिनत होते हैं। तो वो बनते कैसे हैं और कैसे वो बनाए जाएंगे, तो आपको चलिए दिखा रही हूँ ये मशीनें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा सबसे पहले आता है पोटैटो पीलर, जिसको बोला जाता है आलू छीलने के लिए काम करने वाली मशीन, जिसको छीलने में लगती है बहुत लागत, लेकिन ये 5 मिनट में आपका पूरा का पूरा 15 से 20 केजी का काम कर देता है अकेले एक मशीन। क्या बात। इसके बाद काम आती है हमारी स्लाइसर, कि जिसको छीलते छीलते हमारे कटने लगते हैं हाथ, लेकिन वो अकेली मशीन कर देती है 300 केजी का प्रोडक्शन एक लौती, वो भी मात्र 1 घंटे में एक साथ। क्या बात है मैम, आप तो राइम्स बोलने वाले हैं। ठीक है, तब बिल्कुल। तो ऐसी मशीनें हैं जो आपके 10 लोगों का काम हटा के इकलौती मशीन आपका अकेला काम कर रही है। बिल्कुल जी, जैसे इधर हो गया स्लाइसिंग का, देन आफ्टर क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद होता है आपका नेक्स्ट फ्रायर। फ्रायर में हम चाहते हैं कस्टमर अगर अच्छे बड़े लेवल पे अपना बिजनेस खोल रहा है, जस्ट लाइक वो एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म खोल रहा है अपनी, इसकी बनाने की, कोई ब्रांड लेके आना चाहते हैं, अपना कोई ब्रांड लेके आना चाह रहे हैं, सही बोल रहे हैं सर, तो उनको फ्रायर की जरूरत पड़ती है। तो वो लोग हमसे फ्रायर ले सकते हैं, जितना बड़ा जितना छोटा कस्टमाइज करवाना चाहते हैं। इसके अलावा हम उन्हें ऑप्शनल भी देते हैं कि आप इसको एज अ घर की कढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं, फ्राई तो करना है,
तो हम चाहते हैं कम से कम में आपका बिजनेस चालू हो, इसके बाद काम आता है। चलो भाई चिप्स बन गया, तैयार हो गया, अब ऐसे तो खाएंगे नहीं, पैकिंग तो चाहिए ना, इस पैकेट को लेना भी तो है ना। इससे पहले वो जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको खत्म कैसे किया जाए, तो हमारी फोर्थ मशीन होती है, वो होती है हमारी हाइड्रा। ये देखने में लगती है आपको जितनी, उससे भी ज्यादा अकेले ये एक बार में 20 से 15 किलो आसानी से सारा का सारा ऑयल आपका डिहाइड्रेट कर देती है, यानी कि सुखा देती है सारा का सारा तेल, जो आपको पैकिंग होने के बाद कैसे नजर आते हैं आइए दिखाती हूँ। क्या बात है जी। जी तो जैसे कि मैंने अभी बनाया था, बनाया मैंने ऐसा और ये बना कैसा, ऐसा। तो देखिए अगर आप भी ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं तो जरूर इस मशीन को ले और अपना बिजनेस चालू करें। ये तो बात हुई खाली चिप्स की, ठीक है जी। और इसके अलावा और क्या क्या, जैसे नमकीन तैयार कर सकते हैं, उसकी मशीन है, गोलगप्पे की है, कॉटन कैंडी की है जी मैम। सर अनलिमिटेड। इसके बाद करते हैं सेव पूरी, यानी कि नमकीन। अब नमकीन बनानी है तो हमें एक नहीं, दो नहीं, सात नहीं, बल्कि 10 तरीकों की ऐसी डाइयां मिलने वाली हैं। किसी को पसंद है सेव पूरी, किसी को पसंद है आलू भुजिया, तो किसी को पसंद है अपना क्या कहते हैं, क्या है भाई नाम बता दो सर आप। नमकीन तो बहुत सारी है, बहुत सारी है, आपकी नवरत्न हो गई, काफी सारी नमकीने हैं। तो वो कैसे बनाई जाए, तो जैसे कि हम आपको देते हैं 10 डाइयां, वो कैसे यूज होती है, जैसे कि ये देख रहे हैं छोटी सी मशीन है पर पूरा काम करती है 20 से 30 किलो का पर आवर, एक लौती छोटी सी मशीन आपका नमकीन बनाने का काम करती है, जिसकी कीमत इतनी कम होने वाली है कि आप सोचोगे भी नहीं और आपकी नमकीन कैसे तैयार हो जाएंगी। और पूरा का पूरा सेटअप आपको इनकी कंपनी से मिलने वाला है। मैं एक बार इनकी कंपनी का इंट्रोडक्शन भी बता देता हूं, फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग में। लोकेशन क्या पड़ने वाली है सर? लोकेशन आप दर्शकों को बताती हूँ कि आपकी जो लोकेशन है दूर नहीं है, अगर आना चाहते हो तो आपकी ये लोकेशन दिल्ली NCR में गाजियाबाद लोकेशन पड़ता है, हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास 5 मिनट के मात्र वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका ऑफिस फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग है, जो मशीनरी हब है। अपने आप कस्टमाइज करवाइए, बाकी आपको यहाँ खुद ही इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है कि आपको भी कंफ्यूज कर देंगे। बिल्कुल जी। और ये जो भी मशीनें आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप पीछे देखेंगे मैम के यहाँ पे, ये किस चीज की, मैं गोलगप्पे की है सर? ये उन लोगों की है जो हर किसी की पसंद है, यानी कि पानी पूरी लाइक गोलगप्पा, जो आज की रेट में भी इतनी कॉस्टली हो गई है कि लोगों को जहाँ 10 की 5 मिलती थी और 10 की 2 मिलती। मेरे ख्याल से 10 की 2 भी नहीं दे रहे आज के टाइम पे तो। नहीं सर, 10 की 2 तो मिलती है। तो हमने एक रिव्यू सेशन लिया था एक गोलगप्पे पानी पूरी वाले से कि भैया कितना बनाते हो एक दिन में? कहते हैं मैडम पूरे दिन में बनाते हैं 5 घंटे लगने के बाद भी पूरी फैमिली के साथ मात्र 1200। मैंने कि 1200? तो ये उन भाइयों के लिए जो चाहते हैं गोलगप्पे का बिजनेस करना, साथ ही साथ इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हो आप इस मशीन को लेके। कैसे? खुद बनाइए, दूसरों को सेल कीजिए, यानी कि आप तो गोलगप्पे बना के बेच रहे हैं, साथ में उन लोगों को भी बेचिए जिनको आप सिर्फ बने बनाए गोलगप्पे। आज के टाइम पे मार्केट में ये चल रहा है, सारी की सारी चीजें पहले ही प्रीमेड होती हैं जी, आप देखते भी होंगे जी। इसका बेनिफिट ये है सर कि ये इकलौती एक गोलगप्पे की मशीन है, इसको ऑल इन वन मशीन बोला जाता है। आप इसमें मठरी बनाइए, पापड़ बनाइए, नमक पारे बनाइए, गोलगप्पे बनाइए, मोमोज के साइजेस के ऊपर बनाइए, इसके अलावा छोटे समोसे मिलते हैं उसका भी शेप। सिर्फ क्या करना है आपको, एक लौती डाइयां चेंज करनी है, ठीक है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं करना, ये छोटी सी मशीन आपके सारे काम कर देगी, यानी कि मशीन एक बिजनेस अनेक, बिजनेस अनेक। तो काफी मशीनें मिल जाती है मैम। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट और कौन सी मशीन आने वाली है? इसके अलावा हमारे पास पैकिंग की भी, छोटी पैकिंग की, अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं छोटे लेवल से, मात्र 22,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो इस मशीन को खरीद के आप 1 किलो तक की पैकिंग कर सकते हैं, चाहे आप डिटर्जेंट पाउडर पैक करें, मसाले पैक करें, कुरकुरे पैक करें, नमकीन पैक करें, जो पैक करना चाहते हैं अनलिमिटेड चीज आप इस छोटी सी मशीन से पैक कर सकते हैं। क्या बात है जी। और इसमें जैसे काफी और भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हो जी जाते सर। इसके अलावा हमारे पास बड़ी से बड़ी लेवल की इसमें मशीनें हैं। अगर आप पाउच पैकिंग में जाते हैं तो काफी सारे 10 से 20, 20 से 100, 100 से 50, काफी सारी क्वांटिटी के हिसाब से भी हमारे पास इसकी मशीन अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए तो और क्या? इसके अलावा हमारे पास आपकी कुरकुरे की मशीन है। कुरकुरे में आपको शुरुआती कीमत जो मिलती है कम से कम इन्वेस्टमेंट में ही है कि खुद ही कुरकुरे का और पफ का बिजनेस आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं। नमकीन कुरकुरे, नमकीन और चिप्स तो बना लिए, कुरकुरे भी क्यों ना बनाए जाए, पैकिंग तो एक ही मशीन करेगी। सभी का ध्यान रखा मतलब आज बिल्कुल ठीक है, सबका ध्यान रखा है कि फूड एक ऐसा आइटम है जो कभी बंद नहीं होता। इसके बाद बात करना
चाहूंगी शुगर कैंडी यानी कि कैंडी फ्लोस, जो बच्चों को बहुत पसंद है, जिन्हें हम मॉल में जाके भी खरीदते हैं और जो गलियों में भी हमारे घूम घूम के बच्चों को बेचते हैं और शादी फंक्शन में भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल जी। तो कम से कम कीमत में मात्र 15,000 रुपए से इस बिजनेस को चालू करें और पर डे के 1,500 से 2,000 रुपए कमाएं, जिसकी इन्वेस्टमेंट आप कई बार डिमांड आती है पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन की, वो भी अवेलेबल हो जाती है। बिल्कुल सर, चलिए दिखाती हूँ आपको इससे रिलेटेड। तो प्रिया मैम, हमारे पास ना कई बार डिमांड्स आती है, मैंने काफ़ी कमेंट्स भी चेकआउट करा है कि लोग डिमांड करते हैं पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन की या कॉफ़ी मशीन की, इसके लिए क्या फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है हमारे पास? सर हमारे पास काफ़ी सारी इसमें भी हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मशीनें मिलती हैं और काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम हमारे पास बजट कम है और कम बजट में बिजनेस करने की क्या आइडियाज़ हैं। तो जैसे कि आज मैंने जिस आइटम्स के बारे में बात किया है, जिन क्या कहते हैं स्नैक्स आइटम की बात की है और जिस लो बजट मशीन्स की बात की है, ये वो मशीनें हैं जिनमें मात्र 15,000 रुपए लगा के और पर डे के 1,500 कमा सकते हैं आराम से। और ये 365 दिन चलने वाले बिजनेस हैं, हर कोई डेली यूज करता है, हर कोई डेली स्नैक्स खाता ही है, नमकीन है, कुरकुरे हैं, जो भी है, कॉफी भी मतलब डेली ही पीते हैं। तो मतलब मशीनें काफी मिल जाएंगी, बट आपको बस क्या करना है, आपको जो नंबर से स्क्रीन पे है उस पर जाके कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है। एक बार लोकेशन हम दोबारा से बता देते हैं, लोकेशन क्या पड़ने वाली हमारी यहाँ की? लोकेशन हमारी है दिल्ली NCR में हिंडन मेट्रो स्टेशन के पास, आपका 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग हमारा ऑफिस है, जहाँ आपके रहने से लेके खाने तक की सुविधा भी हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। 100 में से 2% में हमारी कंपनी आती होगी, जो आपको कहीं सुविधा नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ पूरी की पूरी सुविधा मिलेगी। बिल्कुल जी। ये आप लोगों के लिए इतना काम कर रही है कंपनी की, अगर आप दूर से आते हैं, काफी लोग यूपी बिहार MP हर जगह से लोग आते हैं, काम लोग काफी लोग स्टार्ट कर चुके हैं और ऑलरेडी काफी लोग लास्ट 2 और 3 ईयर्स के अंदर काफी लोगों ने कंपनी के साथ जुड़ के अपना अच्छा खासा बिजनेस भी स्टार्ट किया है। तो आप लोग यहाँ पे आइए, एक बार चेक करिए, मशीन ट्रेनिंग भी दी जाएगी आपको यहाँ पे। बिल्कुल सर, आपको अच्छे से मशीन लेने के बाद 1 साल की वारंटी है हर मशीन के साथ। मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी कि 1 साल की वारंटी हर मशीन के साथ है, साथ ही साथ हर मशीन के साथ ही आपको जब भी आप कोई भी मशीन लेते हैं तो 1 साल की वारंटी तो है, साथ में 1 दिन की ट्रेनिंग भी है पूरे 24 आवर की। साथ ही साथ आप विजिट करते हैं तो अगर आप बुकिंग भी करते हो तो बुकिंग अगर करते हो आप तो आपका जो आने जाने का कन्विंस तक है वो तक हमारी तरफ से नेगोशिएट है। तो इससे ज्यादा क्या ही लोगे आपकी सब टेंशन भूल के, सिर्फ आपको एक माइंड मेकअप बनाना है कि हमें बिजनेस चालू करना है तो करना है। बिल्कुल जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में पसंद भी आई होगी, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी एंड किस तरीके का आप बिजनेस आगे स्टार्ट करने वाले हैं और किस किस सिटी से आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं। बाकी प्रिया मैम थैंक यू अपना टाइम देने के लिए एंड व्यूअर्स आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।